हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने बीपीएड एमपीएड 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और यह रिजल्ट कल शाम को डिक्लेयर किया था। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए आपको राइट टाइम पर वीडियो शेयर नहीं कर पाया। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है वो जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे और मैं आपको लेकर चलता हूँ उस लिस्ट की तरफ जिसमें स्टूडेंट्स के नेम है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर बीपीएड स्टूडेंट्स के लिए। बीपीएड स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो ओवरऑल बीपीएड में जो है हम बात करें जनरल कैटेगरी की, तो ओवरऑल यहाँ पर 52 जो है सिलेक्शन है। अब वेटिंग कैटेगरी में बात करूँ, जो जनरल कैटेगरी में वेटिंग है तो 4 से 5 तक जो है वेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एडमिशन छोड़ देते हैं या उनके पास कागज़ नहीं होते, फीस कंप्लीट नहीं कर पाते, तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आपको लगातार अपना पोर्टल, वेबसाइट, आपको अपनी मेल और टीचर से कॉन्टैक्ट बना के रखना है। कुछ भी हो सकता है, और जितने भी अगर नीचे जाते हैं जैसे कि किसी का 30 है 40 है, वो उम्मीद छोड़ दें, उनका नहीं हो सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर सीटें क्लियर होती है तो 4 से 5 क्लियर होती है, याद रखना। ओबीसी कैटेगरी में बात करूँ जो फ्रेश हैं, जो यहाँ पर जो है 6 स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। SC ST कैटेगरी में बात करूँ ओवरऑल 20, तो यहाँ पर जो है आपको लिस्ट में सब कुछ क्लियर दिख जाएगा, कितनी वेटिंग लिस्ट है और किसका सिलेक्शन हुआ है। अगर आपको दिक्कत है, ये आप सर्च नहीं कर पा रहे तो मेरे को मैसेज करना टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। वैसे अभी मैं सारे ग्रुप में इनको लिस्ट को शेयर कर दूंगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एमपीएड की तरफ। तो एमपीएड में जो है ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पर 21, और वेटिंग कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एमपीएड में भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन, तो 3 से 4-5 स्टूडेंट जो है वेट कर सकते हैं, सिलेक्शन होने की उम्मीद है। देखो क्या होता है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, अभी क्या है कोविड की वजह से हमारे जो रिजल्ट हैं वो अभी आगे पीछे चल रहे हैं। तो GGU में बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया, किसी की फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है। तो सेम गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी होगा, किसी के पास TC नहीं है, पैसे नहीं है, करेक्ट सर्टिफिकेट नहीं है। तो जिसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे उसको मौका दिया जाता है। तो लगातार आपको टीचर से अपनी वेबसाइट को, या हम बोल सकते हैं पोर्टल को, मेल को लगातार चेक करते रहना है, कॉन्टैक्ट में रहना है, कुछ भी हो सकता है। 4 से 5 अगर उनकी वेटिंग है तो उनको लगातार चेक करते रहना है। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ OBC कैटेगरी, तो ये आपके सामने, SC ST कैटेगरी की 8C। तो ओवरऑल ये है, ये लिस्ट सारी मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर जो लोग हमारे ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं, वो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। जय हिंद।